जब कोई आम आदमी लॉकडाउन तोड़ता है तो पुलिस उस पर डंडे बरसाती है, और अगर पुलिस के नेतृत्व में ही कोई लॉकडाउन का मजाक उड़ाए तो जी हाँ, आज हावड़ा के टिकियापाड़ा अंचल के बिल्लियस रोड में हावड़ा सिटी पुलिस व तृणमूल के स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में दिल दहला देने वाली एक जुलूस रास्ते पर निकली। दिल दहला देने वाली जुलूस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस जुलूस से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोई पुलिस अधिकारी से कहता है कि शांति जुलूस है, तो कोई वॉलंटियर और पुलिस कर्मियों की रूट मार्च कहता है, लेकिन इसे किसी भी रूप में शांति जुलूस नहीं कहा जा सकता। रविवार दोपहर को हजारों की संख्या में भीड़ बिल्लियस रोड पर चली जा रही थी। हावड़ा सिटी पुलिस वो नेतृत्व देने वाले स्थानीय लोगों के समर्थन में गगनभेदी नारे लग रहे थे। आश्चर्य है कि जिन पुलिस कर्मियों पर स्थानीय लोगों की लगभग हजारों की संख्या में भीड़ ने हमला किया था, आज वही पुलिस उसी भीड़ को लेकर साथ साथ चल रही थी। क्या इससे लॉकडाउन नहीं टूटा? इस जुलूस का नेतृत्व हावड़ा सिटी पुलिस के ACP सेंट्रल आलोक दास गुप्ता, हावड़ा नगर निगम के वार्ड 20 की पूर्व पार्षद इश्मा तारा, पूर्व पार्षद मोहम्मद सलीम व स्थानीय तृणमूल नेता लाला कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल को इसी टिकियापाड़ा में लॉकडाउन तोड़ रहे कुछ लोगों पर कार्रवाई करने पर भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस घटना में 2 महिला पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज उसी भीड़ के साथ पुलिसकर्मी जुलूस में शामिल थे। आज के इस जुलूस पर विपक्ष ने पुलिस पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य उमेश राय ने कहा कि यह पूरी तरह से लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया है। अगर उस इलाके में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो इसकी जिम्मेवारी पुलिस को लेनी होगी। हावड़ा जैसे अति संवेदनशील इलाके में, जहां पूरा हावड़ा रेड जोन के रूप में जिसको चिन्हित किया गया है, ऐसे हावड़ा में पिछले दिनों पुलिस के ऊपर एक कातिलाना हमला किया गया। उस हमले के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और वो सारे लोग न्यायिक हिरासत में चले गए। आज एक आश्चर्यजनक घटना हम लोगों ने देखा, जब हावड़ा के पुलिस के अधिकारियों की उपस्थिति में लॉकडाउन के नियमों की धज्जी उड़ाते हुए, पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते हुए, टिकियापाड़ा फाणी से बिल्लियस रोड तक एक जुलूस निकाला गया। पुलिस कह रही है कि ये जुलूस वॉलंटियर्स तय करने के लिए किया गया, लेकिन सच्चाई में जिस दिन पुलिस ने मार खाया था उस दिन पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस लोगों को एकत्रित नहीं होने दे रही थी, पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बता रही थी। आज लेकिन इन सारे नियमों की धज्जी उड़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सत्ताधारी पार्टी के नेता, वहाँ के पूर्व पार्षद, इलाके के जितने दबंग लोग हैं उनकी उपस्थिति में एक व्यापक जुलूस पुलिस की उपस्थिति में निकाला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोरोना का संक्रमण इस जुलूस के माध्यम से लोगों में फैलता है तो क्या इसकी जिम्मेवारी हावड़ा सिटी पुलिस लेगी या तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री लेंगे? ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। ये एक गंदी राजनीति के तहत, सिर्फ ये बताने के लिए कि पुलिस और पब्लिक के बीच का जो मामला था वो खत्म हो गया है, इसको दिखाने के लिए जिस तरीके का ये ढोंग प्रपंच किया गया है, ये बहुत ही गंदा और बहुत ही निंदनीय विषय है। अगर लोगों में संक्रमण फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी हावड़ा सिटी पुलिस को लेनी होगी। इस जुलूस को लेकर एक प्रत्यक्ष दर्शी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। टिकियापाड़ा में जो लॉकडाउन को लेकर स्थिति एक तरह का खराब हो गया था, वो बेटाइम पर बाजार लगना, पुलिस को दुश्वारी, फिर पब्लिक को पर लाठीचार्ज, इस सबको लेकर एक तरह तरह का लोगों में एक खौफ था। उसको लेकर पीस रैली एक तो करके लोगों में एक शांति का वार्ता देना और साथ में प्रशासन का पुलिस चले और पब्लिक पुलिस में एक समन्वय बरकरार रहे, उसको लेकर था। बहुत कम लोगों को लेकर था, पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप और एक्टिविस्ट लोग और जो भी सामाजिक थोड़े बहुत लोग हैं, मगर इतना ज़्यादा भीड़ होगा ये मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैं उस रैली में एकदम पीछे में था। मगर जिस तरह से आज जो हुआ है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं था। वहीं जुलूस की अगुवाई करने वाले पुलिस अधिकारी आलोक कुमार से फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कोविड जीरो के वॉलंटियर को इलाके में घुमाया जा रहा था। उसी समय इलाके के और कई लोग आ पहुंचे और पीछे पीछे जुलूस में चलने लगे। बाद में उन लोगों को चले जाने के लिए कहा गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने ऊपर से फूल भी बरसाए।
মিছিল না, এটা ভলেন্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে টিম, তো ওই ভলেন্টিয়ার গুলোকে এরিয়া গুলো দেখানো হচ্ছে। এটা তো টিকিয়াপাড়ার যেটা আছে না, কিছু লোকাল লোকজনরা যে আছে ওরা রিপেন্টেড আর কি, যে না যেটা ঘটনাটা ঘটেছিল পুলিশ কোনো খারাপ কিছু করছে না, পুলিশ জনগণের জন্যই করছে। তো আমরা ওখানে কিছু ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে, কোভিড জিরো ভলেন্টিয়ার নিয়ে আমরা এলাকায় ছিলাম। লোকাল লোকজনরা ওখান থেকে কিছু ফুল টুল ছড়ায় ছাদের ওপর থেকে, কিছু লোকজনরা পেছনে পেছনে এসছে আর কি। সওয়াল ইয়ে হ্যায় কি ক্যা পুলিশ ভলেন্টিয়ার্স আর স্থানীয় তৃণমূল নেতাওয়ো কো লেকার রুট মার্চ করতে কি জরুরত থি, ক্যা ইসসে করোনা কে ফেলনে কা খতরা নেই বড় জাতা? হাওড়া সিটি পুলিশ কে ডিসি সেন্ট্রাল জে বি থমাস সে জব ইস মুদ্দে পর বাত কি গই তো উনহোনে কাহা ইয়াহ কোই শান্তি জুলুস নেই থি, ইয়াহ তো বস রাফ অর ভলেন্টিয়ারো কো লেকার রুট মার্চ কিয়া গয়া থা। উনহোনে ইয়াহ ভি কাহা কি ওয়াহাঁ ভিড় ক্যাসে ইকট্ঠা হো গই ইসকি জাঁচ করেঙ্গে। না ওয়াহাঁ অ্যাকচুয়ালি কুছ শান্তি মিছিল নেই দা, দ্যাট ওয়াজ নট এ শান্তি মিছিল। ওয়াহাঁ অ্যাকচুয়ালি হাম লোগ কা রাফ অর ওয়াহাঁ কা কুছ ভলেন্টিয়ার্স হ্যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভলেন্টিয়ার্স মিন্স ও হোম ডেলিভারি করনে কে লিয়ে ঠিক কিয়া দা লোকাল ভলেন্টিয়ার্স। তো হাম লোগ উন লোগো কা কুছ টি শার্ট ভি দিয়া হ্যায়, উন লোগ হোম ডেলিভারি করেগা। আচ্ছা, উন লোগ কো লেকার এক মানে রুট মার্চ কিয়া দা জি। This is true that some local लोग है ना वहाँ आकर देखने के लिए आया है। पुलिस की पुलिस वहाँ उपस्थित थी, जितने सारे लोग इकट्ठा हो गए तो लॉकडाउन के साथ साथ तो सर संक्रमण की भी समस्या हो सकती है, कोरोना फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। देखिए हम लोग एक्चुअली वहाँ शुरू किया था एकदम लाइन कर ये कर सोशल डिस्टेंस, लेकिन बीच में कुछ लोग आया है ठीक है, ये एंगल हम लोग देख लूंगा क्या लीगली क्या एक्शन कर सकता है वो भी देख लूंगा। आज निकले इस जुलूस से लोगों में भय व्याप्त हो गया है। पुलिस के आला अधिकारी चाहे जो कुछ कहे, सत्य तो यह है कि कोरोना वायरस को जीवित रहने के लिए लंबी चेन की कड़ी मिल गई है। युवा शक्ति के लिए उमेश तिवारी की रिपोर्ट, हावड़ा। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।